बुद्धि में जब उस ईश्वरी तत्व का, ईश्वरी सामर्थ्य का योग हो जाता है, तो वह पुरुष बाहर से कंगाल दिखते हुए भी धनवानों को दान कर सकता है। मेरा प्रिय, मेरा इष्ट, मेरा परमात्मा कोई साथ में अरस पे नहीं बैठा। ये बात आपको मरते समय भी याद आ जाए तो बहुत काम हो जाएगा। आपका कथा में आना सफल हो गया, जीवन जन्म लेना ही सफल हो गया, अगर ये पॉइंट समझ में आ गए। जीने की कला आ गई। राजा जनक के दरबार में भारत की कन्या 16 वर्ष की सुलभा गई। उस लड़की का ओज तेज प्रभाव देखकर जनक दंग रह गए। बिन बुलाए राज दरबार में कन्या कैसे आई बेटा? तुझे क्या तकलीफ है अथवा क्या तेरा अभीष्ट है? तू क्या चाहती? तुझे किसी ने सताया है? बोले महाराज मेरे को किसी ने सताया नहीं। तो क्या तुझे कुछ चाहिए? बोले महाराज मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। तुम फिर कैसे आए? महाराज, राजा मैं आपसे शास्त्रार्थ करने आई हूं। जनक राजा से ये कुमारी का शास्त्रार्थ करने आए? हां राजन, कहां तो भारत की कन्या। साधुओं का नाम लो तो सुखदेव जी का पहला नंबर आता है, और सुखदेव जी के गुरु थे राजा जनक। बुद्धि योगी थे, उस बुद्धि को परब्रह्म परमात्मा का योग करा दिया था, मुलाकात करा दिया था। और उसको चैलेंज करती है सुलभा कि राजन मैं आपसे शास्त्रार्थ करने आई हूं, मेरे प्रश्न है, अगर आप मेरा परिचय पूछते हो तो क्षत्रिय कुल में मेरा जन्म हुआ, सुलभा मेरा शरीर का नाम है, और आज से 1.5 वर्ष पहले मेरे माता पिता मेरे सगाई की चर्चा कर रहे थे, और मैंने माँ बाप की बात सुनकर उनको प्रार्थना किया कि शरीरों का संग ये शादी तो बाद में होगी, योग होगा पति का पत्नी का, लेकिन पहले जीव आत्मा को परमात्मा के साथ योग करना चाहिए। मुझे आप गुरु जी के पास ले गए थे एक बार कथा सुनने, मुझे लगता है कि आप तो दीक्षा ले चुके, मुझे उन गुरु जी से दीक्षा दिलाई। मैं निगुरी होकर पेट पालू, एक जीवात्मा होकर संसार की गाड़ी घसीट घसीट के मरना पसंद नहीं करती। पहले पिता ने जरा हन्ना कनी बताई, बाद में माँ ने सहयोग दिया और मुझे गुरु से दीक्षा मिली। गुरु ने जब मुझे दीक्षा दी, वैदिक मंत्र के साथ साथ मेरे पर कृपा दृष्टि की शांभवी दीक्षा दी, जिससे मेरी सोई हुई जीवन शक्ति प्राणी मात्र के अंदर छुपी है। ये बाहर का जो हमारा बुद्धि और शरीर है वो उस जीवन शक्ति का 2-3% 2-3% ही है, बाकी का सब सुषुप्त। जैसे वृक्ष का मूल से ही वृक्ष के फल फूल और हरे पत्ते दिखते हैं, लेकिन खजाना तो उसका सुषुप्त है, दिखता नहीं। ऐसे जीवन शक्ति जो दिखती नहीं, उसमें बहुत कुछ पड़ा है। ये बाहर जो दिखता है ये तो बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। गुरु जी ने वो जीवन शक्ति जगाने की शांभवी दीक्षा दी, दृष्टिपात किया, जैसे सुखदेव जी ने परीक्षण पर किया, ऐसे गुरु जी ने मुझ पर वो दृष्टिपात। गुरु जी ने बताया कि बेटा रोज 10-12 प्राणायाम करना, फेफड़ों में 3000 छिद्र हैं, 200-400 छिद्र काम करते, बाकी वो भी ऐसे ही पड़े हैं सुषुप्त। और जब रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर होती तो बुढ़ापे में है, वो जो बंद छिद्र पड़े हैं वहां जो जीवन शक्ति कमजोर होती तो वही जीवाणु एकत्र बनते हैं, पनपते हैं, वही दम और टीबी का रूप लेकर सताते हैं प्राणी को, बुढ़ापे की कमजोरी में वही हावी हो जाते हैं। लेकिन जो प्राणायाम करता है उसको टीबी दम की मुसीबतें नहीं उठानी पड़ती। तो 10 प्राणायाम सुबह, 10 दोपहर को भोजन के पहले करें, इससे तेरे फेफड़ों की पूरी शक्ति का विकास होगा,
नस नाड़ियाँ शुद्धि होगी और इस ढंग से तू ध्यान करेगी तो मैंने शक्तिपात तो कर दिया है, बीजारोपण तो कर दिया है, अब केवल तुझे खाद और पानी देना और संभाल रखना है कहीं बीज नष्ट ना हो जाए। तो यात्रा करते रहे और कभी कभार सत्संग में आना। मैंने 2-4-5-10 दिन ऐसी थोड़ी बहुत यात्रा की तो मुझे कुछ अंदर से होने लगा। राजन फिर मैं जो पढ़ने में पहले 2-2, 4-4, 10-10 बार प्रति बाद में याद रहता, फिर तो मैं पढ़ूं और याद हो जाए, जैसे कवि कालिदास महामूर्ख में से महाकवि हो गए, जो पढ़े वो याद हो जाए। कवित्व शक्ति खिलाए, निबंध लिखने की शक्ति खिलाई, पुस्तक को देखते ही उसका रहस्य समझ में आने लग गया और जीवन शक्ति जागती है तो गजब का हो जाता है। मेरे को बहुत फायदा हुआ उससे। कोई पुराण किताब लिए बिना मैं जो प्रवचन कर रहा हूँ, स्कूली विद्या में 3 क्लास पढ़ा हूँ, 4थी में तो मेरा बाप भी नहीं गया, और एमए पढ़े हुए, पीएचडी पढ़े हुए मेरे कई शिष्य हैं, जयराम जी की। लोग बोलते हैं चीन की दीवार प्रसिद्ध है, मैं क्या ठीक है, दुनिया का अजायब तो बहुत देखे लेकिन लीलाशाह बापू का अजायब देखना तो मेरे को देख ले, भारतीय संस्कृति का कोई अजायब देखना है तो देख ले, सामने बैठे वर्ल्ड पार्लियामेंट में ही गर्जना करने आए। वर्ल्ड पार्लियामेंट का जो चला था 17, उसमें भी हम गए, विवेकानंद को 5 मिनट दिए थे, फिर विवेकानंद का प्रवचन सुनकर बढ़ते बढ़ते 30 मिनट हुआ, हमारे लिए 30 मिनट रखे, बढ़ते बढ़ते 55 मिनट, और दूसरे तीसरी बार जब रखा तो 1.25 घंटा, तो बढ़ते बढ़ते 1 घंटा 55 मिनट चला, और जो उपदेश देने आए वे ही मेरे कई चेले बनने को राजी हो गए। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा भांजे। वो जब जीवन शक्ति जागती है बुद्धि में, जब उस ईश्वरी तत्व का, ईश्वरी सामर्थ्य का योग हो जाता है, तो वह पुरुष बाहर से कंगाल दिखते हुए भी धनवानों को दान कर सकता है। जो जैसा मांगता है वो पल भर में संकल्प मात्र से उनको देर सवेर उसी स्थिति में पहुंचाने का आशीर्वाद दे सकता है। हाथ में भिक्षा पात्र है लेकिन सम्राटों को भी दान करने की शक्ति रखता है। मेरे को गुरु जी ने दीक्षा दी और मेरे को ऐसा कुछ होने लगा, मूलाधार केंद्र जागृत हुआ, मुझे थोड़ी आनंद की प्राप्ति हुई, याद शक्ति बढ़ी, प्रसन्नता बढ़ी और मेरे चित्त में निष्काम कर्म करने का एक उत्साह उल्लास आया, मेरी कार्य क्षमता बढ़ी, मेरी मति गति बढ़ी और मेरी आस्था बढ़ गई। राजन गुरु जी ने कहा यह तो कुछ भी नहीं, पहला केंद्र की थोड़ी सी यात्रा है, इसको और बढ़ा, ये उम्र है काम की लेकिन थोड़ी बढ़ा तो काम राम में बदल जाएगा, घृणा प्रेम में बदल जाएगी, भय निर्भयता में बदल जाएगा, द्वेष क्षमा में बदल जाएगा। ये पहले केंद्र की उपलब्धियां हैं और भी बहुत सारी छोटी मोटी। दूसरा केंद्र जागृत हुआ, दूसरे केंद्र में भय संशय रहता है और स्त्री प्राय दूसरे केंद्र में ज्यादा रहती है क्योंकि उसे गर्भ धारण करना है, गर्भ की रक्षा करनी है, बार बार उसका मन वहीं जाएगा। स्त्री दूसरे केंद्र में ज्यादा जीती है पुरुष की अपेक्षा, दूसरे केंद्र में संशय भी है। मुल्ला मौलवी साधु संत मंदिर और मनोतियों में पुरुषों की लाइन इतनी भारी नहीं मिलेगी जितनी माइयों की मिलेगी। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। तो उनमें आस्था भी होती है, संशय भी होता है। वो दूसरा केंद्र रूपांतरित हो जाए तो आस्था दृढ़ होती है और सही ढंग पर होने लगी और संशय उखाड़ के फेंकने का सामर्थ्य आ जाता है। तीसरा केंद्र है हमारा सौर्य केंद्र, जो बुद्धि केंद्र भी कहा जाता है और रोग आरोग्य केंद्र भी कहा जाता है। आरोग्यता और बुद्धिमता दोनों का ये जंक्शन है। 2-3% विकसित हुआ, बाकी का ज्यों को त्यों पड़ा है। आइंस्टीन जैसे ने थोड़ा प्रयोग करके 10% विकसित किया और वो बुद्धि लगाई रिसर्च में तो प्रसिद्ध हो गया। जो पढ़ते लिखते हैं या एकाग्र होते हैं, बुद्धिमानों का संग करते हैं, तो अनजाने में
चार पाँच छः प्रतिशत उनका विकसित हो गया तो साधारण जनता से वे ऊंचे दिखते, उससे भी कोई ऊंचे दिखते तो राजे महाराजे तक पहुंच जाते। लेकिन वे राजों को महाराजों को भी जगत में तो ऊंचाई दिखती है लेकिन अंदर वे भी ठन ठन पाल होते हैं। हे वाइन तू मुझे मजा दे, हे लेडी तू मुझे मजा दे, हे चरुट तू मुझे मजा दे। बुद्धिमान तो है लेकिन बुद्धि योगी नहीं हुए, चौथे केंद्र में नहीं आया अभी। ऐसे अकबर जैसे सम्राट मीरा के चरणों में जाकर कीर्तन और कृपा प्रसादी पाते हैं तब कहते हैं कि सुभान अल्लाह आज जो अमृत मिला ऐसा जिंदगी में कभी नहीं मिला। अमेरिका में मेरा प्रवचन था शिकागो के मंदिर में, मोरारजी भाई देसाई का भी वहां था। तो मोरारजी भाई करके गए थे, बाद में कुछ दिनों के बाद मेरा था। तो मैं जो बात बता रहा था लोगों ने मेरे को कहा बापू जी यही बात मोरारजी ने अपने मुख से कही थी कि मैं कलेक्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर पद तक की यात्रा किया लेकिन रमण महर्षि के चरणों में बैठने से जो मुझे शांति और अंदर का सुख मिला ऐसा मुझे अभागे प्राइम मिनिस्टर पद में भी ऐसा सुख कभी नहीं मिला। जिसका चौथा पांचवा छठा और सातवां केंद्र विकसित है उन महापुरुषों के चरणों में निरअहंकार निरअभिमान होकर बैठने से जो शांति और समझ मिलती है वो चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी पर भी नहीं है। ये अंदर के केंद्रों की महिमा है, ये अंतरंग साधन है। सुलभा को अंतरंग साधन की दीक्षा मिली है। सुलभा कहती है मुझे गुरुजी ने वो दीक्षा दी थी। हृदय मंदिर के भगवान में जाने की, बाहर के मंदिर में जाना हम सहमत हैं जाना चाहिए और बाहर के मंदिर में जाना सार्थक हो गया जब हृदय के मंदिर में ले जाने वाला कोई सद्गुरु मिल जाए, नहीं तो बाहर के मंदिर में तो पुजारी खूब ठहरा है, मुल्ला मौलवी खूब है मंदिर मस्जिदों में चर्चों में। अच्छा है बाहर का पूजा स्थली अच्छा है लेकिन वो बाहर की पूजा स्थली के साथ साथ भीतर का पूजनीय देव कौन है और पूजक जीव क्या है ऐसी यात्रा कराने वाला कोई फकीर मिल जाए। सुलभा कहती मुझे मिल गए थे। छह महीने के अंदर राजन मेरे पास रिद्धि सिद्धियां और मेरी बहुत सारी क्षमताएं गजब की क्षमता, लेकिन गुरु जी ने कहा बेटा इसमें रुकना मत, अब तू चल तत्व ज्ञान के तरफ। और डेढ़ साल मैंने आत्म परमात्मा के विषय का ज्ञान सुना और मनन किया, अब मुझे अपने परमेश्वर स्वभाव का पता चल गया है। मेरा प्रिय मेरा इष्ट मेरा परमात्मा कोई साथ में अरस पे नहीं बैठा। सो साहेब सद सदा हजूरे अंधा जानत ताको दूरे, सो प्रभ दूर नहीं प्रभ तू है। गुरुदेव ने उपदेश देकर मुझे घर में घर दिखा दिया। राजन मैं तुम्हारे से शास्त्रार्थ इसलिए करने आई कि मुझे तो दो दो साल की यात्रा करनी पड़ी और ब्रह्मचर्य पालना कि मेरी किशोर अवस्था स्वाभाविक हो गई। आप तो गृहस्थी में रह रहे, राज का इतना लंबा चौड़ा गाड़ा घसीट रहे और घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते तुमको कैसे परमात्मा प्राप्ति हो गई? अगर ऐसे हो जाती तो दूसरों को क्यों नहीं होती और आप दूसरों को क्यों नहीं करवाते, या गुरु महाराज दूसरों को क्यों नहीं करवाते? और वो परमात्मा प्राप्ति होगी तो परमात्मा सुख से बढ़कर तो इंद्र का त्रिभुवन का सुख कुछ नहीं, तो आपका मिथिला का ये राज सिंहासन के सुख की आपको क्या जरूरत? ललनाएं चंवर डुला रही है, भाटचारण प्रशंसा कर रहे, राजादि राजनदाता महाराज घणी खम्मा गौ ब्राह्मण प्रतिभा, ये सब पोल्सन लगवाने की आपको क्या जरूरत? जब खीर खाकर आप तृप्त हुए हैं तो ये नाली का पानी पीने की आपको क्या जरूरत? महाराज मैं आपसे शास्त्रार्थ करने आया। बुद्धिमान जनक कहते हैं सुलभा मुझे जो घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते परमात्मा की प्राप्ति हुई वो अचानक नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है, वह बुद्धि योग है। और वो कैसे मिला? गए जन्म में हम लोग गुरु आश्रम में विद्यार्थी थे,
तो कुछ विद्यार्थी योग अभ्यास करते थे और कुछ तत्व ज्ञान का विचार करते थे। हम लोग तत्व ज्ञान के रास्ते पे थे, हम अपने को बड़ा बुद्धिमान विद्वान मानते थे, और एक जो छोटा विद्यार्थी था वो प्राणायाम करता, ध्यान करता, योग करता था, उसकी हम मजाक उड़ाते थे। बड़ा भगत आया, आंखें मूंद के बैठा, जैसे छोरे छोरे एक दूसरे के मखौल उड़ाते। एक दिन वो मुंडन करा के आया था और नहाने गए हमारे साथ, तो मैंने उसकी घुटी हुई टाल पर टकोरे मार दिए, दो देख बड़ा जोगी, और दूसरों को भी मैंने उसके रहा, हमने उसकी खूब मजाक खिल्ली उड़ाई, और वो हमारा छोटा गुरु भाई रोने लगा। एकाएक गुरुजी आ गए और गुरुजी नाराज हो गए। गुरुजी ने कहा, मूर्खो, तुम आश्रम में रहकर भी सतबुद्धि का अवलंबन नहीं लेते, अपने को बड़ा चतुर समझते हो। आत्म प्रतिकूलानी परेशान न समाचरेत, जो आपको अच्छा नहीं लगता ऐसा दूसरे से व्यवहार न करिए। आपको ये नहीं अच्छा लगता कि आपको कोई उल्लू बनाए तो आप दूसरे को उल्लू न बनाइए। आपको ये अच्छा नहीं लगता कि कोई आपको ठग ले तो आप दूसरे को मत ठगिए। आपका अपमान आपको अच्छा नहीं लगता तो आप दूसरे का अपमान मत करिए। ये है धर्म? तो धर्म के विरुद्ध काम किया और बड़ा अपने को चतुर विद्यार्थी मानता, और भगवान का अनुभव करना है, साक्षात्कार करना धरती पर, मैं तो क्या और कोई ऋषि मुनिया, भगवान भी तुझे भगवान का अनुभव नहीं कराएंगे। भगवान का अनुभव जब तू इस छोटे विद्यार्थी के चरण पकड़ेगा, जब इसको परमात्मा मिलेंगे और ये कृपा करेगा, तभी तुझे परमात्मा का साक्षात्कार होगा। कोई स्टैम्प पेपर नहीं, कोई सिग्नेचर और रबर स्टैम्प की जरूरत नहीं। मंत्र मूल्यम गुरु वाक्यम हो जाता था, प्रकृति को यही करना पड़ता है। मनुष्य में कितनी ताकत। समय बीता, हम दोनों गुरु भाई काल कराल के चक्र में आ गए, मर गए। तो मैं गुरु आश्रम में रहता था, उसका फल ये हुआ कि मैं जन्मजात राजघर में पैदा हुआ और मिथिला नरेश बना, और मेरे जो विद्यार्थी थे वो उदालक ब्राह्मण के कृपा पात्र कुहुल के घर, सुजाता के गर्भ से उनका जन्म हुआ। लेकिन जन्म होने के पहले ही जो अगले जन्म में की हुई साधना थी, थोड़ा जो प्रतिबंध था वो उनका माँ के गर्भ में ही, बाकी का जो प्रतिबंध प्रारब्ध हट गया। आठवें महीने के थे और माँ के गर्भ में ही उनको परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। महावीर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मेहनत करके, साधना करके साक्षात्कार किया, अच्छा है। मोहम्मद को हम थैंक्स करते हैं, साक्षात्कार किया या ऊंची साधना की, धन्यवाद। लेकिन भारत के ऋषि ने तो मां के गर्भ में ही परमात्मा का साक्षात्कार करके बाद में जन्म लिया है। संत बीज पलटे नहीं, युग बीते अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे रहे, संत को संत सियावर रामचंद्र। आपने और हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि ये अगले जन्म का डॉक्टर है, ABCD पढ़ने के, यहाँ MBBS करने की इसको जरूरत नहीं। नहीं, उसको करना पड़ेगा। अगले जन्म का कोई डॉक्टर हमको नहीं मिला आज तक, अगले जन्म का कोई उद्योगपति या अगले जन्म का कोई नेता या सेठ नहीं मिला। भाई अगले जन्म में नेता है तो चलो अभी इनको नेता बना दो, ऐसा नहीं हो सकता है। चुनाव लड़ना पड़ता है, जयराम जी की हर 5 साल चुनाव लड़ना पड़ता है। लेकिन अगले जन्म का रहीदास भक्त था और रघुमोची के, रघुचमार के यहाँ जन्म, और जन्म जात उसको अगले जन्म के संस्कार थे, और रहीदास के दर्शन गए करने गए तुलसीदास जी, और रहीदास के चरणों में मत्था टेका मीराबाई ने, और रहीदास की नूरानी निगाहें पड़ी और मीरा ने मेवाड़ को झुमा दिया और अकबर का भी कल्याण कर दिया। ऐहिक विद्या का तो मृत्यु की चोट पड़ती है ऐहिक विद्या पर, क्योंकि ऐहिक विद्या मन और बुद्धि तक होती है, और भक्ति हमारे स्व तक होती है। हमारे स्व की मृत्यु नहीं होती, शरीर की मृत्यु होती है। मन बुद्धि प्रकृति का, उस पर मौत का प्रभाव पड़ता है, लेकिन जीवात्मा पर, स्व पर प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात आपको मरते समय भी याद आ जाए तो बहुत काम हो जाएगा।
आपके स्व पर मौत का प्रभाव नहीं पड़ता तो यहां के दुखों का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये तो आप अनजाने में यहां के दुखों के साथ घुल मिल जाते इसीलिए दुखी हो जाते, यहां के सुखों के साथ घुल मिल हो जाते इसीलिए भयभीत हो जाते। दरिया के किनारे लहरें उछल रही, आपको आनंद आएगा तब तक जब तक उन लहरों के साथ जुड़े नहीं, लहरों के साथ जुड़े तो वही थपेड़े आपको गिरा देंगे। ऐसे जीवन में जो दुख सुखों की लहरें आती है वो मन तक बुद्धि तक आती है, साक्षी जीवात्मा को नहीं छूती। कितना भी बड़ा भारी प्रॉब्लम और दुख आए आप उस समय सावधान रहो कि ये दुख आया है, शरीर पर आया है, इंद्रियों पर आया है, मन पर आया है, लेकिन मुझ पर नहीं आया, मैं उसको देख रहा हूं। ये नहीं था तब भी मैं था, और ये है तब भी मैं हूं, और ये चला जाएगा तब भी मैं रहूंगा। आधा दुख का तो पावर उसी समय टूट जाएगा महाराज, आपका कथा में आना सफल हो गया, जीवन जन्म लेना ही सफल हो गया अगर ये पॉइंट समझ में आ गई, जीने की कला आ गई। कितना भी बड़ा भारी दुख आ जाए केवल ये सूत्र याद रखना कि दुख की असर मुझ पर नहीं होती है, मेरे मन को दुख हुआ है, मेरे को नहीं हुआ। कितना भी भारी पीड़ा आ जाए पीड़ा मेरे शरीर को हो रही, मेरे को नहीं हो रही। मेरा ये हाथ जो है बाया बैल के साथ आखला था, उसके साथ मस्ती करते करते उसका फोर्स आया, यूं घूम गया, ये सब आधा अलग से हो गया, मानो लबड़ रहा था साबरमती के उस जंगल एक मांगे पुत्र। पहली क्षण तो ऐसी पीड़ा हुई मानो धरती पैरों तले से निकल गई, चुनू चुनी हो गया। लड़ते 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 विनोद करते करते गौशाला का था वो बैल नहीं आखला, जिसको भी गायों में छोड़ा भी नहीं था, ब्रह्मचारी था, और हम हिमालय से लौटे थे थोड़े खाने पीने में कमजोर होकर, पहले भी खेलते थे लेकिन बराबरी का था, अब वो खा पी के हट्टा कट्टा हो गया, हम तब करके थोड़े डाउन हो गए थे। ऐसे करते करते उसने फोर्स मारा और मेरे को पीछे थोड़ा कीचड़ जैसा आ गया, हम गिर गए। अपना फोर्स और उसका, एक हाथ तो उसके सिंग को पकड़ रखा, दूसरा गिरा तो उसका फोर्स और मेरा फोर्स, तो ये हाथ यूं पड़ा तो यूं घूम गया पीछे। अब सोचो ये घूम जाए तो क्या पोजिशन हो, तो कितना मजा आया होगा। पहली क्षण तो महाराज ऐसा मजा आया कि कौन बाबा जी और कौन क्या, हाय राम ये क्या। मेरे करोड़ों करोड़ों मेरे सत्संगी हैं, लाखों लाखों मेरे शिष्य हैं, और हजारों हजारों लोग मेरे लिए धन दौलत और अपनी विद्वता अपनी चतुराई खर्चने को तैयार। कई डॉक्टर हैं मेरे शिष्य कई, लेकिन उन सब डॉक्टरों का सेठों का धन डॉक्टरों का ज्ञान मेरे काम नहीं आया, लेकिन ये बात काम आई दूसरी क्षण के मेरे को नहीं लगा, मेरे बाएं हाथ की कोनी को चोट है, बाकी मैं ठीक हूं। और ये चोट शरीर को है, पीड़ा शरीर को है, ये भाव आते ही हिम्मत आ गई और उठकर इसको थोड़ा सेट करके हाथ में पकड़ के आश्रम में आ गया, और आश्रम के मुख्य व्यक्ति को बुलाया, मैं क्या जरा हार्ड वैद्य का थोड़ा करना है। तो बोले किसके लिए, मैं क्या मेरे को, तो हार्ड वैद्य बापू आपको किस लिए, मैं क्या ये जरा कोनी थोड़ा ऐसा हो। वो बोले क्या हुआ कोनी को, मैं क्या मुड़ गई अभी मैंने थोड़ा ठीक किया। हाँ हार्ड वैद्य ने जब दूसरे पेशेंटों को कर रहा था तो हाथ लगाते दूसरे पेशेंट चिल्लाते थे, और मेरे को जब किया तो जोर से हंसी निकल गई। तो वो था हार्डवे तो मुसलमान था, पैसे खूब लेता था, लेकिन मेरे को यूं किया और हंसी आ गई, तो वो मान गया कि भाई मानना पड़ेगा ये गजब के फकीर है, उसने पैसा भी नहीं लिया। जयराम जी की दुख तो था पीड़ा तो थी, लेकिन पीड़ा इस शरीर को हो रही है, पीड़ा मुझ आत्मा को नहीं होती। ऐसे मौत भी आए तो आप याद रखना कि आपकी मौत नहीं होती है, आपके ये पुराने वस्त्र बदलने के लिए परमात्मा कोई कंगला नहीं, उसके पास 84 लाख वस्त्र पड़े, नए नए वस्त्र देकर सजाता सिंगारता तुम्हारी यात्रा करा रहा है, इसलिए परमात्मा हमारी यात्रा करा रहे बदल रहे, मेरी मौत नहीं होती। धन्यवाद। पुराना चोला ले रहा है नया देगा, और नया नहीं चाहिए तो बस नया नहीं चाहिए तू ही चाहिए, ऐसी याद रह जाए तो काम बन जाएगा आपका तुम्हारा आज।
ये बात केवल वही लोग सुने जो मरने वाले हैं। जो कभी नहीं मरने वाला है उसको सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां सब मरने वाले ही आते हैं। इस संसार में सब मरने वाले ही पैदा होते हैं। मैं कथा कह रहा था सुलभा की। जनक कहते हैं कि सुलभा, माता के गर्भ में ही प्रतिबंधक प्रारब्ध हट गया, उनको ज्ञान हो गया और वे 12 साल के अष्टावक्र महाराज। अब मुझे जब दर्शन हुआ और मैं बिन शर्ती उनके चरणों में नतमस्तक हो गया, और मैंने अगले जन्म में यात्रा की थी और इस जन्म में भी रोज सत्संग करता था। सत्संग में 3 बातें चाहिए, एक तो सत्संग चाहिए श्रोता को, दूसरा श्रद्धा से सुने, और तीसरा सुने हुए सत्संग का मनन करें। सत्संग तो मिल जाता है, थोड़ी बहुत श्रद्धा भी होती, लेकिन मनन नहीं होता, इसलिए सत्संग का जो पूरा फल इसी जन्म में मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। फिर भी व्यर्थ नहीं जाता सत्संग। तो मेरा अगले जन्म का यात्रा किया हुआ और इस जन्म की तैयारी की हुई, जैसे लाइट की फिटिंग होते ही स्विच ऑन करने में प्रकाश हो जाए तो वो स्विच ऑन का फल नहीं है, पहले फिटिंग भी उसमें भागीदार है। ऐसे ही मैं घोड़े के पैर में रखा, मैं पैर रखते ही मेरे को परमात्मा का साक्षात्कार गुरुजी ने करा दिया, तो उसका काम कारण ये नहीं कि रकाब में पैर डाला उसलिए हो गया, लेकिन सुना था कि अगर तैयार अधिकारी हो और सतगुरु समर्थ है और चाहे तो घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है, और इस बात की मुझे जिज्ञासा थी और वो जिज्ञासा गुरुदेव ने पूरी कर दी, क्योंकि गए जन्म के वे मेरे गुरु भाई थे और गुरु के श्राप से वे ही मेरे गुरुदेव बने और मैं अधिकारी था और वे समर्थ थे, इसलिए मुझे साक्षात्कार हो गया। तेरे प्रश्न का एक तो उत्तर आ गया, दूसरा है कि अगर साक्षात्कार हो गया, परमात्मा का रस और सुख मिल गया, तो फिर ये छत्र और चंवर और सिंहासन और राज्य की क्या जरूरत है। तो देख सुलभा, मैं ये राज्य व्यवहार चला रहा हूं तो राज्य सुख भोगने के लिए नहीं। गुरु जी ने कहा, शास्त्र भी कहते हैं कि अच्छे आदमी अगर बुराई देखकर वो जगह से हटकर भाग जाएंगे तो बुरे लोगों के हाथ में सत्ताएं आ जाएगी, सड़क पे स्टीयरिंग बुरे लोगों के हाथ में आ जाएगी। इसलिए अच्छे के हाथ में होगी तो वो अच्छाई का प्रचार प्रसार होगा। तो गुरु जी ने अच्छे में अच्छे ईश्वर का अनुभव करा दिया, अब मुझे संसार से सुख लेना नहीं, अब तो साधु संत की नहीं बांटना है। तो जब सत्ता है परंपरागत तो इससे मैं एलर्जी क्यों, मुझे एलर्जी क्यों, चंवर डुलाने में मुझे सुख नहीं और चंवर न डुलाए तो मुझे दुख नहीं। ये छत्र मैंने सुख के लिए नहीं बनाया, लेकिन ये राज्यगत परंपरा है। अगर सिंहासन पर नहीं बैठूंगा तो कहीं फर्श पे बैठना पड़ेगा, तो जो है वो है। सुलभा, एक हाथ में मुझे कोई कीचड़ का लेप कर दे और दूसरे हाथ में चंदन का लेप कर दे, फिर भी मैं ये अनुभव करता हूं कि मुझको नहीं, मुझको कुछ नहीं हुआ, इसको हुआ, जो मैं नहीं हूं इस शरीर को हुआ है, ऐसा मुझे सतत ज्ञान है। सुलभा से जो पूछ रहे राजा जनक, सुलभा दंभ रहित अहंकार रहित सत्य अनुभव बता रहे, और जनक से जो सुलभा पूछती है एक एक प्रश्न का उत्तर जनक दे रहे। ज्ञान चर्चा जमी महाराज। फल ये हुआ कि राजा जनक बहुत संतुष्ट हुए। राजा जनक ने कहा कि सुलभा तू ऊंचे सिंहासन पर बैठ, तेरे जैसी ज्ञानवान भारत की कन्या का बहुमान करने का मुझे अवसर दे। साधुओं का नाम लो तो सुखदेव जी का पहला नंबर आता है। सुखदेव जी के गुरु राजा जनक ने सुलभा का तिलक आदि करके अर्घ्यपाद से पूजन किया है। ये है भारतीय संस्कृति। ये ज्ञान ऐसा है कि टेढ़ी टांगों में, नाटे कद में, खोड़ खापड़ वाले शरीर में भी अगर आता है तो वो पूजनीय हो जाता है। ये वह ज्ञान है। विशाल काय, विशाल राज्य का धनी राजा जनक अष्टावक्र के चरणों में दंडवत प्रणाम करता है। ये वह आत्मज्ञान है।
ये आत्मज्ञान मिलता है बुद्धि योग से। बुद्धि जीवियों को पता नहीं बिचारों को, वो बुद्धि इसमें तेरे मेरे में लगाकर जीवन पूरा कर देते। बुद्धि जीवियों को धन्यवाद है, बुद्धिजीवी तो है, अच्छा है, शाबाश। लेकिन बुद्धि योगी बनना बहुत ऊंची चीज है, और बुद्धि योगी तब बनेगा जब ईश्वर को प्रीति पूर्वक भजेगा। ईश्वर के नाते माता पिता की सेवा करा तो ईश्वर को भजा इसने, ईश्वर के नाते गरीब गुरबे की सेवा किया तो ईश्वर को भजा इसने, वाहवाई के नाते तो सब लोग दिखावटी सेवा तो बहुत लोग करते, लेकिन सचमुच जो सेवा करता है ईश्वर देख रहा है उसको बुद्धि योग मिलता है। थोड़ी सी सेवा करके जो दिखावा ज्यादा करते हैं वे सेवा के मूल्य को जानते ही नहीं।